वाह बेटे वाह, इतना अच्छा प्लान बना के दिया उस माइकल और डगन को ट्रैप करने का, और तुमने क्या किया, 9 साल के बच्चे की तरह उसे जंगल में बंद कर दिया। मुझे माफ कर दो, मैं उसे टॉर्चर और तलपा के मारना चाहता था। मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। निकल गई सारी हवा, वो माइकल है माइकल, उसको मारने वाले खुद मर गए और तुम उसे तड़पा तड़पा के मारोगे, वाह क्या बात है। माफ कर दीजिए मास्टर, अब से कोई गलती नहीं होगी मेरे से। चलो ठीक है, एक गलती हो गई तुम्हारे से, बट उस माइकल ने तुम्हें प्लास्टिक सर्जरी वाला फेक डगन बॉस पकड़ा दिया, और इतने बड़े वाले जफर कैसे हो सकते हो विदाउट कुछ चेक किए। चलो जो हुआ सो हुआ, अब मैं आ गया हूँ द मास्टर, अब मैं लॉस सैंटोस में तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ 2000 कमांडो सेंड कर रहा हूँ। अब कैसे भी करके इस माइकल का गेम ओवर होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो फिर समझ जाओ। ओके सर, अब कोई गलती नहीं होगी, जैसे मौका मिलेगा धोनी की तरह छक्का मार दूंगा और माइकल का गेम ओवर। थाला फॉर अवीज। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस कैसे हो आप लोग, आई होप आप बढ़िया होंगे। सो यार आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं यहाँ पर कैसे आ गया हूँ। सो गाइस जिसने लास्ट एपिसोड नहीं देखा है उसे बता दूँ यार लास्ट एपिसोड में क्या सीन हुआ था। सो गाइस लास्ट एपिसोड में ना भाई हम लोग हो चुके थे किडनैप, मतलब ट्रैप हो चुके थे भाई एगल और एगल का छोटा भाई और हमारा जो फेक डगन बॉस है ना भाई, उसको पकड़ के ले गए, पता नहीं कहाँ ले गए, और मुझे भी ले गए थे मतलब मारने के लिए। बट एगल का छोटा भाई है ना भाई, वो सोच रहा था कि मैं ना माइकल को टॉर्चर करके मारूंगा जैसे हमने मार्टिन को मारा था जला के, बट उसने मुझे ले गया जंगल में और जंगल में मुझे बांध दिया कसम से। और वहाँ पर गाइस फिर क्या होता है, वो वहाँ पर जाता है कुछ सेकंड्स के लिए, बट फिर वहाँ पर एक डॉग आता है गाइस, कसम से मिराकल हो गया, वहाँ पर एक डॉग आता है भाई, वो मुझे बचा लेता है। और गाइस पता नहीं वो ओनर होता है किसी का, मतलब किसी का पालतू कुत्ता होता है, फिर भाई हम लोग उसकी हेल्प करते हैं। और गाइस फिर मैं फटाक से जाता हूँ भाई साहब हैकर के पास, अपनी हैकर गर्ल के पास, फिर हम लोग लोकेशन वगैरह ट्रैक करते हैं। और भाई सबसे पहले मैंने इतना दिमाग से ना भाई दोनों को पहले बचाया, फिर जाके गाइस फाइट ली भाई, खतरनाक वीडियो थी तो जाके ज़रूर देखना। और बहुत कुछ हुआ है, नया शोरूम लिया है और भाई लॉस गैंग ने अटैक भी किया था, तो यार सारा का सारा वीडियो ज़रूर देख लेना। अब आगे देखते हैं क्या सीन हुआ है। सो गाइस यहाँ पर देखो क्या ही नज़ारा है, कसम से यार मज़ा ही आ गया भाई, इतना बढ़िया नज़ारा है ना भाई, ये शोरूम एक ही नंबर है गाइस, कसम से बोलो ना ये शोरूम मतलब एकदम बढ़िया है, देख रहे हो क्या ही शोरूम है यार, मतलब इसके नीचे इतना बड़ा वाला गैरेज है ना, और गाइस ओपी लेवल का गैरेज जिसमें हम लोग 200 या मतलब 100-150 गाड़ी भाई पार्क कर सकते हैं। और आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे यार घोस्ट सिक्योरिटी लो, भाई यार देखो ऑलरेडी मेरे पास ना भाई 5 सिक्योरिटी हो चुके हैं भाई, रखने के लिए जगह नहीं है। सो गाइस हम लोग फ्यूचर में जाके ना घोस्ट सिक्योरिटी ज़रूर लेंगे। सो यार वेट करो क्योंकि देखो अभी ना जगह बहुत कम है, पहले अपने पास में से 4-5 मेंशन तो अवेलेबल है, बट फिर भी गाइस अभी अपने पास इतनी अपने को ज़रूरत नहीं सिक्योरिटी की, तो जब भी मुझे हेल्प लगेगा तो भाई मैं आपसे पूछ लूँगा, आप मेरे को बोल देना ठीक है ना यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो गाइस यार अपनी ये RSPG सिक्योरिटी को हमने मतलब इनको रहने पीने के लिए और अपन भी इधर आए करेंगे। सो गाइस तो मैंने यहाँ पे RSPG सिक्योरिटी लगवा दी है, और जो अपनी NSG सिक्योरिटी है ना भाई उसको मैंने भी मेंशन पर, और गाइस बाकी की सिक्योरिटी आपको पता ही है, बाकी की सिक्योरिटी गाइस आपको पता है KSPG अपने ओल्ड वाले मेंशन पे, और अपनी जो निंजा सिक्योरिटी है ना भाई वो अपने
सीक्रेट बनकर पे, जो कि बहुत ही काम की चीज़ है। मतलब हर चीज़ जो भी अपना पैसा लूट रहा होता है ना भाई, सब कुछ वहाँ पे रखा है। तो बहुत सारे बंदे बोल रहे थे यार आप रेड निंजा को वीडियो में ले नहीं रहे हो, सो यार आज मैं रेड निंजा से मिलने वाला हूँ। और अपनी एक कार की डिलीवरी भी होने वाली थी, आपको याद ही है गाइस, थोड़ा सा हमने उसको मॉडिफाई के लिए दिया था बेनी के पास, तो वो ना उसने घर पे अपने डिलीवरी कर दिए। सो यार वीडियो को पूरा देखना और प्लीज़ लाइक करो, आप लोग लाइक नहीं करते हो तो यार वीडियो जल्दी आती नहीं है, टारगेट तो अपना कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। सो प्लीज़ यार लाइक करो और वीडियो को फुल वॉच करो, स्किप करोगे तो यार नुकसान हो जाएगा एंड लोगों तक वीडियो पहुँचेंगे नहीं। तो यार प्लीज़ वीडियो फुल वॉच करना और लाइक ज़रूर करना और बढ़िया सा कमेंट ज़रूर करना। और आगे हम लोग जाने वाले और बहुत कुछ होने वाला है और ये एगल का भाई गेम ख़त्म करेंगे जल्द से जल्द, ठीक है ना, टेंशन मत लो। सो चलो यार फटाफट से ना अभी हम लोग को निकलना है। भाई साहब मैं भी पेंशन पे और भाई साहब मेरे को वेट नहीं हो रहा है, अपनी न्यू कार आई है और गाइस बहुत कुछ होने वाला है। सो गाइस मज़ा आने वाला है, सो चलो यार फटाफट से ना भाई चलते हैं मैलिबू मेंशन पर। ऑल राइट गाइस फाइनली वी आर इन मैलिबू मेंशन और चलो यार फटाफट से जाते हैं। और एक सेकंड गाइस यहां पर लग रहा है ना बेनी आ चुका है, भाई बेनी आ चुका है आई थिंक। भाई कार कहाँ गई, भाई कार कहाँ पार कर दिया इसने, भाई टॉय लेके तो मतलब जो ट्रेलर तो आ चुकी है, मतलब जिस पे भी गाड़ी रखते हैं ना भाई ये तो आ चुकी है। एंड यहाँ पे देख रहे हो एनएसयू वाले भाई फुल भाई ऊपर भी चढ़े हुए और ये अपना शोरूम भाई मेरे मतलब यहाँ पे पार्किंग के लिए बनवाया था, आपको पता होगा जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर होंगे उन्हें याद होगा। और देख रहे हो अपना कार कलेक्शन मैंने इधर रखा है, भाई खुद के जो कार्स है ना भाई मैंने इधर रखे यार, मतलब क्या ही फील आती ना गाइस, खुद का शोरूम। और यहाँ पे अपने पास इंडियंस कार भी यार, थार वगैरह और बहुत सारे इंडियंस कार भी है। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये कार। और गाइस भाई किधर रखी है भाई अपनी जो न्यू कार है यार, इधर तो नहीं दिख रही है। और ये कार तो मैंने शोरूम मतलब अपने गैरेज में रखी थी, ये बाहर किसने रख दी, लग रहा है बेनी ने रखी होगी, चलो कोई बात नहीं वहाँ पर जगह नहीं होगी ना। और ये देख रहे हो भाई ब्लैक महिंद्रा थार गाइस कसम से। और यहाँ पे सब कुछ है भाई, रेंज ओवर आई थिंक सॉरी डिफेंडर है ये, और ये वाली और अपनी लैम्बोर्गिनी सियान भी है जो कि यार बहुत आप लोग की फेवरेट है गाइस, कोई बात नहीं। चलो यार फटाफट से ना अभी यार इधर तो दिख भी रही है, मुझे लगा इधर ही कहीं होगी। ठीक है लग रहा है ना मेरे को भाई गैरेज में या कहीं पार्क ही होगी, बट वैसे लग रहा है बेनी भी इधर ही होना चाहिए क्योंकि उसकी जो ट्रेलर की कार है ना वो यहाँ पर ही है। सो यार गाइस आप में भाई आपको ना इसमें से कौन सी एक बढ़िया कार लगी मेरे को चैट में बताओ, भाई आपकी सबसे फेवरेट कार कौन सी है मेरे जो कलेक्शन में से बताना। भाई ये वाली कार जो दिख रही है ना जो अभी मैं चला रहा था भाई, ये तो अपन ने लिबर्टी सिटी से चुरा के लाई थी भाई क्लाउड के बच्चे के घर से, आपको पता ही होगा अगर आपने मेरा एपिसोड वॉच किया होगा। सो भाई ये कार तो मेरी फेवरेट लग रही भाई, सिंगल सीटर है बट भाई देखने में ना भाई कसम से भाई क्या ही शार्प लग रही है भाई, एक ही नंबर। तो चलो फटाफट से देखते हैं भाई, आप लोग ज़रूर बताना चैट पे यार अपनी मेरे कलेक्शन कार में से आपको कौन सी बढ़िया लगी। भाई ये सिविक भी है और ये आई थिंक रेंज रोवर है या लैंड रोवर है, पता नहीं यार नाम ही पढ़ना पड़ेगा, हाँ रेंज रोवर है गाइस। भाई इतने कार हो गए ना कार के भाई पता नहीं चल रहा है, चलो कोई बात नहीं। वैसे भी गाइस मेरे को इतना कार का भाई शौक नहीं है, ठीक है ना। चलो फटाफट से भाई, चलो यार भाई इतना ट्रैफिक आज भाई लॉस सैंटोस में क्या है भाई, भाई हॉलीडे है क्या भाई इतनी ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह है। चलो फटाफट से ना भाई सब चलते हैं भाई, यहाँ पे फुल एनर्जी तनाते यार अपनी गाइस। भाई अब कैसे भी करके ना गाइस अपने को दिमाग वगैरह लगाना होगा, पहले ही अपना गैंग लीडर मर चुका है गाइस, मैं अभी फुल बिल्कुल ही अकेला हो चुका हूँ, समझ रहे हो यार क्या ही बोलूँ यार गाइस। मतलब हमारा जो गैंग लीडर है वो इतना माइंडफुल था पावरफुल था ना भाई, उसी को मार दिया। अब पता नहीं मैं कैसे प्लानिंग करूँगा अकेला, मैं क्या क्या करूँगा यार, इतने सारे दुश्मन हो चुके हैं भाई, गैंग वॉर प्लस गाइस बहुत सारा। यार बेनी से आ चुका है भाई, पानी पी रहा है क्या भाई, इतनी धूप चल रही है गाइस तो पानी तो पीते, चलो इससे बातचीत वगैरह करते हैं। और गाइस ना क्या सीन है और क्या नहीं है पूछते गाइस। तो ये कह रहा है कि देख मैंने तेरी कार को ना डेली में मतलब गैरेज में पार कर दिया है, एक बार चेक वगैरह करके देख ले यार सही वगैरह है तो नहीं, और मेरे को पैसे दे दे। भाई दे देंगे यार दे देंगे, भाई पानी पी रहा है भाई, पोर्टल भी यहाँ पे फेंक दिया है। चल ठीक है यार बड़ा बड़ से देखता हूँ यार इसकी कार ना भाई, मतलब इसने बोला रेट जो बटन है ना भाई वो भी अब काम कर रहा है। आपको याद है गाइस पिछला बारी ना अपना इसने मेरे को मॉडिफाई करवा के तो दी थी, बट जो रेड बटन है वो काम नहीं कर रहा था और ज़्यादा ही अपनी जो गाड़ी है ना भाई स्विफ्ट ड्रिफ्ट कर रही थी, मतलब समझ रहे हो जैसे मैं थोड़ा सा टर्न करता हूँ ना भाई पूरी गाड़ी का इस भाई राउंड सर्कल मार लेती। तो थोड़ा मैंने उसे बोला है कि यार वो भाई होता है ना पता नहीं क्या होता है हॉर्स कुछ तो बोलते हैं उसको, ड्रिफ्ट कम मारेगी उसकी वजह से। तो चलो यार फटाफट से यार देखते हैं एक बार ट्राई करके ड्रिफ्ट कम ही मारे तो अच्छा है, क्योंकि ना भाई हैंडलिंग में प्रॉब्लम हो जाती है
भाई साहब क्या ही लुक है यार, ये जो कार मैंने मॉडिफाई करवाई ना, कसम से यार गाइस ये कार सबसे बढ़िया है। इसका वॉइस प्लस एंड इसकी स्पीड गाइस टॉप स्पीड है, और इसका रेड बटन भी गाइस बहुत खतरनाक। तो एक बार हम लोग इसकी रेसिंग वगैरह ज़रूर करेंगे। आप लोग बोलना मेरे को यार किसके साथ रेसिंग कराओ इस कार की, आप लोग बता दो भाई साहब। लैम्बोर्गिनी सियाल से करवाएगा इसकी रेसिंग, क्या बोलती है, एक ही नंबर यार गाइस कसम से भाई, देख के मज़ा ही आ जाता है। सो ठीक है चलो चलो गाइस अपन लोग ना आगे बढ़ते हैं। अपना फ्रैंकलिन और ट्रेवर भी इधर आए हुए, आपको पता है हम लोग ने यहाँ पे ना गाइस कल खतरनाक वाली फाइट हुई थी, तो वो लोग को ज़्यादा टॉर्चर वगैरह किया था उन लोग ने, बट वो उनको ना उनका इलाज यहाँ पर ही चल रहा है। टॉमी को हमने भेज दिया है वाई सी टी, क्योंकि उसके फैमिली वगैरह उधर ही रहती है, तो वहाँ पर ही हमने उसको भेज दिया है। और अभी इधर ना अपनी जो ट्रेवर और फ्रैंकलिन है भाई, उनके लिए प्राइवेट डॉक्टर्स मंगवाए, क्योंकि हम लोग इनको हॉस्पिटल ले जाते ना भाई ज़्यादा ही खतरा था, मतलब इतनी ज़्यादा खतरा है ना भाई, बहुत पावरफुल है ये एगल के जो भी लोग हैं ना, ये तीनों मिलके एगल और ये क्लाउड और उसका छोटा भाई है, मतलब चमचा है भाई। चलो यार इधर ना फ्रैंकलिन है भाई साहब, भाई आराम कर रहे हैं, अपना पेलवर्ड भी है, सॉरी कैटिवा भाई साहब, ठीक है लग रहा है सो रहा है यार कैसे, ये तो सो रहा है अभी यार, इससे बातचीत करनी थी यार, कैसा लग रहा है पता नहीं। ठीक है यार अभी आराम कर रहे हैं गाइस, अपनी जो हैकर गर्ल है ना भाई उसका देखभाल कर रही है भाई, बढ़िया से देखभाल करना। तो डॉक्टर भाई साहब, भाई डॉक्टर कहाँ जा रहा है, अरे डॉक्टर साहब, अरे बाथरूम जा रहे हैं डॉक्टर साहब, अभी क्या सीन है भाई, भाई डॉक्टर साहब चले बाथरूम में, अरे डॉक्टर साहब क्या हो गया भाई, डॉक्टर साहब नाराज़ हो गए क्या, फीस नहीं दी क्या इनको हैकर गर्ल, भाई साहब पता नहीं कैसे क्या कह रहा है भाई कुछ, भाई ये कह रहा है कि सीरियस प्रॉब्लम है इसलिए कोने में आके बोल रहा हूँ, भाई क्या बोल रहा है भाई, वो बोल रहा है कि देखो मैं तुम्हें को बोल रहा हूँ भाई, भाई वो कह रहा है कि फ्रैंकलिन कभी भी मतलब टपक सकता है, क्योंकि उसका ना ऑर्गन डैमेज हो चुका है यार। भाई चलो ये डॉक्टर को पूछता हूँ यार, यहाँ पर ट्रेवर का ये वाली हैकर गर्ल अपनी भाई साहब सेवा कर रही है, मतलब क्या कहते हैं उसको। चलो यार फटाफट से ना ये डॉक्टर को पूछता हूँ, डॉक्टर तो भाई इधर देखने में पड़ा है, और मेरे को लग नहीं रहा ट्रेवर को ज़्यादा मतलब इंजरी वगैरह हुई होगी, भाई बिल्कुल बढ़िया लग रहा है भाई साहब, बिल्कुल ही बढ़िया लग रहा है, इसका एक बार चेहरा देखो भाई, मतलब भाई एक्टिंग कर रहा है क्या भाई, साला ये एक्टिंग कर रहा है भाई, ये पक्का एक्टिंग कर रहा है भाई, ये ना देखो इसका चेहरा दिखाता है एक बार, देखो भाई कुछ लगा भी नहीं है भाई, खरोच तक नहीं आई है भाई, एक्टिंग देखो इसकी भाई, क्या एक्टिंग कर रहा है भाई यार, 10-50 रुपए काटो भाई इसके, ऐसे एक्टिंग कर रहा है, इसे कह ली जाएगी ना भाई उड़ जाएगा भाई, ख़त्म हो जाएगा भाई साहब क्या ही बोलते हैं भाई, इसका ध्यान रखना है कर गर्ल। और डॉक्टर भी ऐसा लगा है ना भाई पढ़ने में, पता नहीं यार क्या पढ़ रहा है यार, अंडे या क्या ही पढ़ रहा है, वैसे भी ये कह रहा है कि भाई देखो ज़्यादा कोई सीरियस मैटर नहीं है यार, तो फिर यार इतना क्या सीरियस कर रहा है ट्रेवर यार, मतलब बिल्कुल ही भाई लोल है भाई। तो चलो यार अभी फटाफट से ना अपने को यार बहुत सारे काम करने गए अभी ना भाई साहब, बहुत ज़्यादा ही काम करने, और अभी गए चलो यार फटाफट से ना भाई चलते हैं, और गाइस आगे हमको जाके ना गाइस हमारी जो सिक्योरिटी वगैरह है भाई सबको देखना है, और एगल को मारने का कुछ प्लान वगैरह भी करना है, समझ रहे हो गाइस, इनको मार के ना भाई सब गेम ओवर वगैरह भी करना है गाइस, मतलब ये जो प्लानिंग है ना भाई, अपना जो रेड स्कल है ना भाई वो मर चुका है, ठीक है आपको याद ही है, तो उसका भी फंडल करना है, बट उसकी हमारे पास बॉडी वगैरह अवेलेबल नहीं है, और मुझे आज लेना है भाई हमारी जो गैंग है यार, मुझे गैंग भी तो संभालनी है, मैं लीडर बन चुका हूँ गैंग, तो इतनी ज़्यादा मेरे पे जिम्मेदारी आ चुकी है ना गाइस, अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे यार, मुझे अभी लेना है गैंग के लिए एक बेस, क्योंकि वो बेस बिल्कुल तबाह हो चुका है, एंड इतना छोटा बेस है यार मैं देख नहीं सकता, तो मैं सोचा इनके लिए एक नया बेस खरीदूँ, जो कि भाई मुझे ख़रीदना ही है यार गाइस, कसम से बता रहा हूँ भाई, इतनी ज़्यादा मेरे पे ऊपर काम है ना, कसम से मुझे प्रेसिडेंट बनना था यार भाई, कसम से ना मुझे प्रेसिडेंट बनना है लॉस सेंटोस का कैसे भी करके, बट यार मेरे पीछे इतने प्रॉब्लम चल रहे हैं ना, आप यहाँ पे देख ही सकते हो। चलो कोई ना गाइस फटाफट से ना अभी गैंग बेस पे जाता हूँ, अभी डायरेक्ट न्यू बेस पे जाएंगे, और वहाँ पे मैं एक बंदे से डील गील कर दिया हूँ, तो वहाँ पे मिलते हैं आपको, चलो फटाफट से। ऑलराइट गाइस फाइनली आ चुके हम लोग गैंग बेस पे, आपको पता है मैं न्यू बेस खरीदना है गैंग बेस के लिए, सो यार ये बेस ना मेरे को बढ़िया लगा, ये जो वाला बेस है ना भाई अभी अभी बना है, मतलब ये लोग है ना भाई साहब एक छोटी मोटी गैंग है समझे, एक छोटी सी गैंग है, बट इनकी गैंग बिल्कुल ही ना ख़त्म हो चुकी है, मतलब समझो सिर्फ 10-12 ही बंदे बचेंगे गैंग में। सो चलो इससे यार ये कौन है भाई, ये बॉस लग रहा है, चलो इससे बातचीत करते हैं, और भाई साहब मतलब डील वगैरह करते हैं।
ऑल राइट गाइस, यहाँ पे ना सारी की सारी बातचीत हो चुकी है भाई। ये बंदा ना भाई बिल्कुल ही गाइस मतलब कह रहा है कि देखो तुम बहुत बड़े इंसान हो तो भाई तुम्हें जितने चाहिए मतलब दे सकते हो यार। वैसे ना ये जो गैंग बेस है अपना, जो पहले वाला गैंग बेस है ना, उससे बढ़िया ही है भाई। मैं चाहता हूँ ना तो भाई मैं एक बड़ा सा मैंशन भी खरीद सकता हूँ, बट यार गैंग खरीदनी है मतलब गैंग अपने नहीं है, समझ रही हो, दूसरी की गैंग है बट अपने को लीडर बनवाया है। सो यार धीरे धीरे करते ना हम लोग यहाँ पे भी बड़े बड़े घर बनाएंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए ना भाई गैंग ऐसी चीज़ है ना, उनके लिए भाई ऐसे घर चाहिए क्योंकि अभी गैंग कभी भी बदल सकती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब भाई भरोसा नहीं है, समझ रहे हो। पैसा दिया भाई वो उसकी तरफ, भाई बात ख़त्म है। गैंग का ऐसे रूल होता है कैसे, अगर कोई बंदा उनको ऑफर कर रहा है बढ़िया वाला तो वो उनकी तरफ से गेम खेलेंगे, तो समझ रहे हो गाइस। तो यार ये गैंग पे हम लोग भरोसा कर नहीं सकते क्योंकि ये गैंग रेड स्किल की है और अपन ने कोई इन्होंने लीडरशिप तो दी है, तो चलो यार देखते हैं वो हम, मतलब मैं उनको देख रहा हूँ उनकी ईमानदारी देखते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पे भी एक गेट है गाइस वगैरह, सब कुछ बढ़िया है, एकदम बढ़िया है गाइस, ठीक है ना। चलो ठीक है यार गाइस, बढ़िया लग रहा है, एक बार बताना आपको मेरे को ये वाला, मैं खरीद दे रहा हूँ वैसे भाई, ठीक है ना, पूछने की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट खरीद देता हूँ। और यहाँ पे हम लोग रक्स वगैरह की खेती भी कर सकते हैं और बहुत कुछ यहाँ पे इलीगल सामान भी हम लोग इधर छुपा सकते हैं, क्योंकि ना इधर कुछ भी नहीं है भाई, समझ रहे हो भाई, इधर बहुत दूर है और पुलिस भी वगैरह आने के चांसेस भी कम है और कोई अटैक भी नहीं कर सकता यहाँ पे। देखो भाई दूर दूर तक ना भाई दीवार वगैरह है, तो मेरे को लग नहीं रहा कोई अटैक वगैरह करेगा। अरे एक सेकंड, ये दीदी कौन है? अरे दीदी क्या हो गया? अरे यार, अरे आंटी जी क्या हो गया? मैंने कहा छेड़ा भाई, कह रहा है कि इधर आके छेड़ रहा है। अरे मैं क्यों छेड़ू यार? अरे अरे भाई भाई इसने डायरेक्ट गोली चलवा दी। अरे भाई, अरे यार क्या सीन है भाई गाइस, यार कसम से बोलो ना भाई, यार लोल यार भाई क्यों मारा यार? वो कह रहा है कि देखो आप इतने बड़े इंसान हो, और ठीक है यार गाइस ये लोग भी आ गए भाई, उनको लगा कुछ हो गया भाई। यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, चलो ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, कुछ नहीं हुआ है यार गाइस, कसम से ना भाई डायरेक्ट गोली चलवा दी यार भाई, लेडीज थी यार भाई, अब क्या ही बोलूँ यार। चलो ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार गाइस, भाई साहब एक फालतू का भाई इधर बंदा टपक गया यार, और क्या अपना गाइस डायरेक्ट से भाई सबको निकलना है, और भाई सोना वगैरह हम लोग ले लेंगे जाके। मतलब ये कह रहा है कि मेरे को पैसा वगैरह नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए गोल्ड। भाई साहब इसको वैसे मेरे पास भी ना गोल्ड बहुत पड़ा है, कैश वगैरह मेरे पास ख़त्म हो चुका है बिल्कुल ही, कैश अभी ना मेरे को बेचना है, डील करनी है, बट कोई मेरे से डील वगैरह कर नहीं रहा है अभी फ़िलहाल। तो चलो यार अच्छी बात है, हम लोग गोल्ड में भी बात कर देंगे। तो ये लोग मेरा पीछे आ रहे हैं और भाई मैं इनको बोलता हूँ यार डायरेक्ट गोल्ड वगैरह हम तो वहाँ से ले, समझ रहे, क्योंकि ना भाई अभी मैं कहाँ वापस आऊँगा, तो ये कह रहे हैं कि तुमको वापस आने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लोग आएंगे, ये हो गया तुम्हारा, हमको बस ना गोल्ड वगैरह दे दो। सो चलो यार अच्छी बात है यार, भाई इस फालतू का भाई चक्कर वगैरह हो जाएगी। सो अभी इनको फटाफट से ना गोल्ड में पेमेंट कर देंगे और ये सारा का सारा एरिया प्रॉपर्टी अपने नाम, समझ रहे। तो यार एकदम बढ़िया वाला गैंग बेस मिल चुका है और बहुत दूर है, कोई अटैक भी वगैरह नहीं कर सकता, मतलब पूरा डेजर्ट एरिया है, पूरा डेजर्ट में भाई, समझ रहे हो। सो चलो यार फटाफट से ना भाई चलते हैं अपने सीक्रेट बनकर पे, आपको पता है अपना सीक्रेट बनकर कहाँ पर है, निंजा वहाँ पर ही। यार पीछे आ जाओ फटाफट से भाई, इनकी गाड़ी नहीं भागने वाली यार, इसमें भी क्या भी होगा कुछ भाई, स्पोर्ट कार लेके आए हो भी, ये काम मेरे से रेसिंग थोड़ी करने वाले। सो चलो यार फटाफट से अपनी गाड़ी की स्पीड भगा दे भाई साहब, और ये देख रहे हो स्पीड देख रहे हो गाड़ी की भाई, एकदम बढ़िया। चलो यार फटाफट से अपने सीक्रेट बनकर पे निकल, ऑल राइट गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं भाई सीक्रेट बनकर पे। बट वैसे ना गाइस ये सीक्रेट बनकर है, बट मैंने इसको ला लिया यहाँ पर, बट उसे मैंने बोला है कि उसको रुकने के लिए बोल दिया, बाहर वगैरह रुक जाएंगे ये लोग, तो मैं डरने वगैरह की कोई बात नहीं है, ठीक है ना, कोई डरने वाली बात नहीं है। सो चलो यार फटाफट से इधर से भाई, अपनी निंजा सिक्योरिटी को मैंने कब से नहीं देखा है, कसम से यार गाइस कितने एपिसोड हो गए भाई, ये सिक्योरिटी को कितने लोग ने मिस किया ज़रूर बताना भाई। यार उतर भी गए इतने जल्दी भाई, मेरे को थोड़ा सांस ले दो, रुक जाओ ज़रा यार, एक बंदा इधर कोई आ जाओ, ब्लैक निंजा कैसे आएगा भाई, वो तो हेड है भाई, कोई तो आ जाओ इधर फटाफट से, इनको रुका के रखो इधर, वरना ये लोग मेरा पीछे वगैरह आ गए ना भाई, प्रॉब्लम वगैरह हो जाएगी। चलो एक बंदा आ गया भाई, इनकी थोड़ी खातादारी कर दे, ठीक है ना, इनको रुका के रखो, एंड मैं अभी आता हूँ, सारी बातचीत वगैरह करता हूँ रेड निंजा से, फिर इनकी पेमेंट वगैरह कर देंगे वही, क्योंकि ना सब कुछ उसके हाथ में है, सब कुछ वही मैनेज अकाउंटेंट वही है, समझ रहे हो।
मतलब हर चीज़ वही मैनेज वगैरह कर देता है। तो ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई साहब बहुत दिनों के बाद आया हूँ, कसम से ना, इतने दिनों के बाद आया हूँ। अरे भाई क्या ही बेइज्जती हो रही है यार गाइस, भाई गिर रहा हूँ भाई, पैर फिसल गया भाई। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो फटाफट से ना। अरे चलो ठीक है भाई साहब, भाई आज क्या हो रहा है यार, कसम से बताओ ना। ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे अपना गोल्ड वगैरह देखो, आपको दिखाता हूँ कितना हमने गोल्ड लूट किया है। भाई जितने भी आपने एपिसोड देखे होंगे ना, उनको याद होगा हमने कहाँ कहाँ लूट की है, कहाँ कहाँ गंदी वाली मचाई है। भाई इतना गोल्ड जमा हो गया ना भाई, कितने लोगों ने अपने गिफ्ट किया, प्रेसिडेंट वाले ने खुद गिफ्ट किया है, और भाई चोरी वगैरह का भी माल है भाई, इधर कोई आ भी नहीं सकता है। भाई आने का तो छोड़ो, भाई कोई कदम भी रख दिया ना भाई, गेम ओवर है उसका। सो चलो अभी और भी अपने पास गोल्ड है, बट कैश अपने पास अभी ख़त्म है, डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट वगैरह ही कर देंगे। तो पैसे भी बहुत है बट अकाउंट में, ठीक है ना, गोल्ड वगैरह में पेमेंट कर देंगे। वैसे पूरा देने वाले तो है नहीं भाई, छोटी सी प्रॉपर्टी है, तो भाई जाएंगे टोटल आई थिंक 40 या 50 बिस्किट जाएंगे बस, जो कि एक पता नहीं। चलो ठीक है, फटाफट से ना भाई साहब देखते हैं और अपने रेड टीम जैसे मिलते हैं। और रेड टीम जाना भाई साहब, ये देखो अपनी हैकर इधर भी कुछ काम वगैरह करती थी, ठीक है ना। और ये देखो भाई मूर्ति वगैरह भी लगी है भाई साहब, बिल्कुल ही ख़तरनाक। और अपना रेड टीम जैसे को जाके देखना पड़ेगा भाई साहब, वुल्फ वगैरह वगैरह से बातचीत वगैरह करता हूँ और बोलता हूँ यार क्या क्या करना है। चलो ऑलराइट गाइस, यार सारी की बातचीत वगैरह हमने कर दिए और इसको बोल दिया पेमेंट वगैरह कर दो, और ये कह रहा है कि यार पेमेंट वगैरह मैं करने वाला नहीं हूँ, तुम इतने दिनों के बाद आ रहे हो मेरे को मिलने के लिए, मतलब क्या यार, मतलब इतने अच्छे हम लोग फ्रेंड बन गए थे और भाई तुम मिलने तक नहीं आ रहे हो हमको, मतलब क्या ही बोले यार। ये बंदा नाराज़ हो गया, यार टेंशन मत ले भाई, चल आज ना तू मेरे साथ ही घूम, बिल्कुल ही आज दिन भर तू मेरे साथ ही रहे और एगल को ख़त्म करेंगे। वैसे भी यार अपने गैस क्या ही बोलूँ यार, अपने सारे फ्रेंड भी आजकल फ्रैंकलिन और ट्रेवर गैस आपको याद ही है, बिल्कुल ही गैस अब कोई बचा नहीं है भाई, तो अब तू ही मेरे साथ है। ये कह रहा है कि यार गलत बात है यार भाई साहब, भाई तू मजे कर रहा है इधर एसी में बैठ के, भाई देखो दारू की बोतल रखी है, मस्त तरह की काम कर रहा है। वो कह रहा है कि यार अभी ना एक प्रॉब्लम हो चुकी है, कुछ दो लोग हैं भाई वो चोरी कर रहे थे अपने बनकर के पास, मतलब उनको ऐसा वगैरह सीन है, मतलब होता है ना कुछ भी, ये बंदा हेड है तो संभालता है। तो ये कह रहा है कि दो लोग को हमने पकड़ के रखा है, तो तुम जाके एक बार देख लो भाई उनका क्या करना है, मारना है कि नहीं करना है, बोल दो तुम परमिशन वगैरह दे दो। यार ये कौन है भाई, इनकी भैंस की आँख दिमाग ख़राब कर रहे हैं यार, कौन है भाई चोरी वगैरह कर रहे हैं भाई हमारे बनकर में आके, सालों का भी गोडी छुड़ाता हूँ अभी, साल अब बहुत हो गया गाइस। भाई अपने बनकर पे अटैक करेंगे भाई, किसकी इतनी मजा ले भाई, पता नहीं यार किसकी मजा ले हो चुकी है यार गाइस, मेरा दिमाग ना बिल्कुल ही गाइस आउट हो चुका है भाई साहब, क्या ही बोलूँ यार, फालतू का दिमाग आउट करे जा रहा है इसकी भैंस की आँख। कोई दिक्कत की बात नहीं, अब इनके औकात दिखाता हूँ ये लोग है कौन भाई, पता नहीं गाइस सब कुछ चेक करना होगा। यार ये लोग क्या है भाई, ये लोग है क्या भाई, इनको खाना क्यों दिया यार मेरे को पहले बताओ यार। भाई ये क्या है, ये कह रहा है कि ये चोरी वगैरह कर रहे थे, भाई इनका एक बार चेहरा देखने दो मेरे को, ये चेहरा भाई रो क्यों रहे यार, ये चोरी करने आए हो और भाई रो रहे हो, भाई एक बार चेहरा दिखाना सालों का भाई, टूटो भाई इनको, इतना बढ़िया भाई KFC का खाना दे रहे हो भाई, और यहाँ पर ये क्या गाइस, ये क्या, एक सेकंड भाई, इतना बढ़िया खाना दे रहे हो और ये साइड में क्या था भाई देख रहे हो, और ये क्या है भाई, यहाँ पर क्या मजाक चल रहा है क्या यार, कैसे लोगों को पकड़ के रखा है भाई तूने यार, रेड निंजा यार ये क्या है भाई, इनको इंग्लिश भाई टॉयलेट भी यूज़ करना आता है क्या, नहीं भाई भाई एक बार चेहरा दिखाते हैं इनका। सो यार गाइस ये लोग उठ चुके हैं और ये कह रहा है कि यार मजबूरी है भाई, मेरी फैमिली वगैरह प्रॉब्लम है, इसलिए चोरी वगैरह करने आया था, तो भाई हमें माफ़ कर दो भाई, हमारी फैमिली ना सब कुछ भूखे है, मतलब मेरे पास घर भी नहीं है कुछ भी नहीं है। यार भाई लग रहा है शक्ल से गाइस, मेरे को लग नहीं रहा ये कोई चोर वगैरह होंगे, ये ना अपनी फैमिली के वजह से मतलब चोरी करने आया है यार। यार इनको मार भी नहीं सकता यार कसम से, इनके बाला देखो, इनके कपड़े देखो यार। रेड निंजा एक काम कर, अपने जो गोल्ड है ना भाई, इनको भाई दो दो गोल्ड के बिस्किट दे दे, चल ठीक है जाने दे। ये कह रहे हैं कि ठीक नहीं होगा ऐसा करना वरना ये रो जाएंगे, यार जाने दे, अगर नेक्स्ट टाइम आए तो गोली मार देना भाई, अभी दे दे दो दो बिस्किट दे दे यार बेचारों को, इतना भाई पड़ा है यार किस भाई गरीब में, वो बांटना चाहिए यार भाई, सही यार किस, चल दे दे यार, दे देना इनको, छोड़ दे बेचारों को यार, भाई गरीब लग रहे और इनकी हालत भी देखिए यार, ये क्या चोरी करेंगे, इनको पता भी नहीं है ना हम कौन है भाई क्या है गाइस। चलो यार गाइस भाई अच्छा काम किया कि नहीं बताना यार भाई साहब, अब गरीब लोग भाई यार चोरी करने आए, अब क्या ही करें यार गाइस, ठीक है ना भाई छोड़ दिया वरना मार देता भाई, फैमिली के बाद आ गई तो यार
इमोशनल कर दिया भाई ने। सो यार चलो वैसे भी शक्ल से भाई बालों से नज़र यार था भाई, हेल्पलेस है मतलब होमलेस है, कोई बात नहीं। सो चलो फटाफट से ना भाई साहब, एंड यहाँ पर गाइस फटाफट से निकलते हैं, और ये काम इनका भी हो चुका है। इतनी भाई बोर्ड वगैरह रख दिया ना, देख लो वैसे इतने इनको बोर्ड वगैरह दे दिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो ठीक है ठीक है, निकलो निकलो भाई तुम निकल जाओ। इतना गोल्ड भाई अपनी प्रॉपर्टी अपने बात आ जाएगी, ठीक है ना, इतना गोल्ड वगैरह दे दिया है, तुम निकल जाओ भाई साहब, ठीक है ना। चलो यार गाइस बहुत सही काम कर दिया एकदम ही बढ़िया, और भाई साहब इनको बोल दिया डील वगैरह हो चुकी है। सो गाइस देखो ये जा रहा है, ठीक है ना, एकदम ही बढ़िया तरीके से। और चलो यार अभी अपना और भी बहुत सारे काम करने हैं और बहुत कुछ करना है, तो अभी प्रॉपर्टी अपनी जो न्यू गैंग है ना उनको बराबर लेके जाना है, ठीक है, समझ रहे हो गाइस। अभी न्यू गैंग को लेके जाना है, उनमें भाई बढ़िया वाली गैंग सबको बालाज गैंग और बहुत सबको मिलाना है, ठीक है ना, समझ रहे हो। और एक सेकंड भाई, एक सेकंड किसी का मैसेज आया मेरे को, अनोन आदमी भाई, एक सेकंड यार ये पता नहीं यार भाई किसी का मैसेज आ रहा है, मैं पढ़ता हूँ। एंड ऑल राइट गाइस, मैंने मैसेज वगैरह तो पढ़ लिया है, और भाई वहाँ पे लिखा है कि जल्दी से आ जाओ, वहाँ पर ना एक प्रॉब्लम हो चुकी है, तुम्हारे फ्रेंड की एक डेड बॉडी मिली है। भाई ये क्या कह रहे हैं, हमारी फ्रेंड की डेड बॉडी? भाई कौन सा फ्रेंड है यार? रेड निंजा तू भी आ गया, चल बैठ जा, सही काम किया भाई। यार हमारा कौन सा फ्रेंड मर गया गाइस? यार पहले यार गाइस हमारा रेड स्कल मर चुका है भाई। यार यार गाइस बिल्कुल ही गाइस समझ नहीं आ रहा है गाइस यार क्या ही सीन हो रहा है, बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है यार हमारा अभी कौन सा फ्रेंड मर चुका है यार। बहुत ही खतरनाक काम है यार गाइस, सच बताओ तो बहुत ही खतरनाक काम हो चुका है। चलो कोई बात नहीं यार गाइस, पता नहीं कौन सा फ्रेंड वगैरह मरे, आई होप कि यार सब बढ़िया चल रहा होगा, समझ रहे हो गाइस, कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो। बस यार पता नहीं यार अभी हमको सारी हमारे गैंग लीडर जो निंजा है ना भाई सबको ले जाना पड़ेगा, वरना गाइस ऐसा ना हो कि कोई ट्रैप वगैरह हो, समझ रहे हो। तो मैं सारी निंजा सिक्योरिटी को बोल दिया भाई, वो भी आएंगे कॉम्बे बना के और फटाफट से रेडी हो जाएंगे। भाई साहब भाई पता नहीं कौन सा फ्रेंड मरा है। ऑल राइट गाइस, यार फाइनली ना हम लोग आ चुके हैं लोकेशन पे। यार पता नहीं यार अननोन नंबर से कॉल आया था, और यहाँ पे मैंने निंजा सिक्योरिटी के ना बहुत सारे लोग ले आए हो, मतलब तीन कॉन्वे ले आ जाऊँ, और बहुत सारे लोग आ चुके हैं यहाँ पर। और गाइस मुझे देखना पड़ेगा गाइस, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो भाई साहब, ये ट्रैप भी हो सकता है। एक सेकंड, ये जगह ना वही है जहाँ पर मैंने मार्टिन को मारा था भाई, वो भी जला के। भाई वो कह रहा है कि एक तुम्हारा फ्रेंड है वो भी यहाँ पे मरा पड़ा है। वैसे मैं तैयारी के साथ आया हूँ, डरने वाली कोई बात नहीं, मुझे पता ये ट्रैप वगैरह हो सकता है। सो यार चलो एक बार ना फटाफट से देख लेते हैं, ये मुझे लग ही रहा है ट्रैप है। एक सेकंड, ये रेड स्कल, मतलब गाइस मुझे पता था, इसलिए मैं सारी सिक्योरिटी लेके आया भाई, मुझे फंसना नहीं फिर से ट्रैप में। और ये देखो भाई, भाई फेक डगर बॉस को भी मार दिया यार, इसकी भैंस किया गाइस। भाई सबको बोलता रेडी हो जाओ भाई, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये ट्रैप वगैरह है, मुझे पता चल गया गाइस, इनको मैंने बोल दिया है यहाँ पे ना कुछ भी हो सकता है यार फालतू का। गाइस आप लोग देखो, मुझे पता था। चलो यार फाइनली हमें अभी डेड बॉडी तो मिल चुकी है, हम लोग अब फनरल तो कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें बॉडी चाहिए थी गाइस इनको दफनाने के लिए। तो अभी फाइनली बॉडी मिल चुकी है, अभी विदाउट बॉडी के हम जाने वाले हैं, तो रेडी है ना यार? यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा है यार मेरे से, मतलब लग रहा है एगल ने मजाक तो नहीं किया ना, सिर्फ बॉडी देखे भाई, कोई ट्रैप वगैरह नहीं है, कोई ट्रैप वगैरह नहीं है गाइस। भाई साहब ऐसे कैसे हो सकता है? ये कह रहा है कि यार देख के रहना पड़ेगा हमें, क्या पता कोई प्रॉब्लम वगैरह भी हो सकती है। एक सेकंड, भैंस की आग भाई, मुझे पता था गाइस ये लोग आएंगे, ये रोबोट है भाई, इसकी भैंस की आग भाई कहाँ से आ गए, इनके पास गली नहीं है भाई। भाई क्या चल रहा है, ये रोबोट आ चुके हैं, कोई ना भाई सबको मारेंगे भाई। साले के पास तो भाई रियल के इंसान नहीं है भाई, ये प्रोग्राम करे हुए भाई, भाई रोबोट को इसने भेज दिया हमारे पास अटैक करने के लिए। कोई ना भाई, निंजा सिक्योरिटी है भाई, सबसे वफादार सिक्योरिटी मेरी निंजा सिक्योरिटी, जिस पे मैं इतना भरोसा करता हूँ भाई, जितना SPG हो या कौन सी भी मेरी सिक्योरिटी पर इतना भरोसा नहीं करता, ये सिक्योरिटी भाई इतनी ईमानदार और वफादार है ना भाई, इनको ये मेरे को मतलब फैमिली जैसा मानते, समझ रहे? इन्होंने मेरे को इतने बार बचाया ना भाई, विदाउट मुझे पता भी नहीं था इन्होंने इतने बार दुश्मन को मार गिरा, जबकि मुझे पता भी नहीं था। तो चलो इनकी बैंड में सारे ये रोबोट भाई, सारे के सारे ये बोट्स है भाई,
ये बोर्ड से मतलब रोबोट है यार, ये अच्छे के इंसान नहीं है, ये बंदे की फैक्ट्री बंद करने होंगे जो भी जहाँ से भी बनवा रहा है ना भाई, ये सारी रोबोट की इसकी फैक्ट्री को बंद करना होगा भाई कैसी भी करके यार। इनका भी दिमाग का मेरा दिमाग ही खत्म हो चुका, मतलब भाई ख़राब हो चुका यार भाई, इसको मारते मारते रोबोट्स को ना, पहले ये रोबोट पता नहीं ये सस्ते में बनवाए गए भाई, इतने ज़्यादा बनवा दिए ना इसने। कोई ना भाई आराम से भाई, भाई देख रहे हो क्या आई गई सी भाई, फुल कवर वगैरह ले रहे हैं। कोई ना भाई, सबको बेल देंगे जो भी आ जाए सामने भाई, कोई ना। और कोई है क्या भाई, देख के रहना भाई, ये कह रहे हैं कि यार ये क्या चल रहा है भाई, तुमको पता, इसको पता ही नहीं यार भाई, कोई बात नहीं। एक सेकंड, ये कौन है भाई, ये तो एक दिन का छोटा भाई ना, एक सेकंड इसकी बहस किया। कोई ना भाई, इतना दम कैसे आ गया भाई, अकेला आ गया क्या मारने के लिए? कोई ना भाई, कहाँ गया भाई दिखी नहीं रहा आपको, एक सेकंड कहाँ गया भाई, लॉकेट से मार रहे हैं भाई, RPG से मार रहे हैं भाई, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया इसमें भाई, ये बंदा इतना डरपोक है भाई, भाई बाइक लेके भाग रहा है। अरे पीछा करो छपरी हो उसका, पीछा करो यार, यार बाइक लेके भाग गया, मारा ही नहीं लग रहा है, उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है यार। ठीक है कोई ना, अभी ये वाली कार कब काम आएंगी अपनी भाई, बहुत सही काम किया मैंने भाई, ये वाली कार को ना भाई ले गया है, मतलब ये बहुत फास्ट कार है, इसको हम उसको आराम से पकड़ लेंगे। अरे उधर कहाँ जा रहे हो यार, ये लोग भाई पहाड़ी पे घूमते, उनको लगा उसको खा रहा है। कोई ना फटाफट से यार मेरे को निकलना होगा भाई, स्पीड बढ़ानी होगी यार, फटाक से स्पीड बढ़ाता, इसका रेड बटन भी मेरे को दबाना पड़ेगा भाई। इसकी स्पीड टोटल ना भाई 1000 है भाई, टोटल 1000 स्पीड है इस गाड़ी की, अगर आप यकीन नहीं मानोगे ना, आप मानो या ना मानो, इसकी स्पीड 1000 है भाई। इस पे ना भाई खतरनाक वाला इंजन लगवाया गया है जो कि बटन दबाने पे काम करता है, बट अभी मैं इसको यूज़ नहीं करने वाला, अगर मैंने दबवा दिया ना गाइस, भाई ये रास्ता इतना टेढ़ा मेढ़ा है भाई, डायरेक्ट ब्रेक लगने में इतना टाइम फॉर भाई, मेरी गाड़ी उलट जाएगी। अभी तो नॉर्मल स्पीड ही है 300 की स्पीड में भाई, एक सेकंड ये दिख गया ना, एक सेकंड इसको भाई मार रहा हूँ मैं वैसे इससे। अरे यार इसकी नॉर्मल स्पीड इतनी कंट्रोल नहीं हो रही ना मुझे भाई, 1000 तो छोड़ो भाई, कंट्रोल नहीं हो रही है, बट हम लोग इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं, रेड बटन की आपको टेंशन मत लो। सोच चलो यार फटाफट से भाई, इसको मारने की कोशिश कर रहा हूँ, हम लोग मार रहे हैं, इसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना यार, और ये गाड़ी इतनी ड्रिफ्ट करेंगी तो यार कैसे चलेगा यार भाई। मुझे इतना गुस्सा आता ना जब ये मॉडिफाइड वाले कार होते ना यार, इतनी ड्रिफ्ट मार रही है भाई जस्ट। ठीक है कोई ना गाइस, ठीक है फटाफट से भाई गाड़ी भगवाते हैं, और भाई साहब सब कार सारा का सारा ना इनकी औकात दिखाते हैं, और फटाफट से ठीक है इसको गिराने की कोशिश कर रहा है बंदा, कट मार रहा है यार साला, गाड़ी भगा रहा है बस भाई, क्या हो रहा है यार, हम लोग ये गाड़ी को चेज नहीं कर पा रहे भाई, ये बंदा भी ऐसा वैसा ड्राइवर नहीं है समझो, ये बहुत बड़ा वाला कुत्ता है यार, मतलब ईगल है भाई, देखो इतना मार रहा हूँ भाई, चिपका है क्या भाई, फेविस्टिक लगवाई के नीचे से भाई, अरे यार कसम से कट मारा बट भाई क्या ही बोले यार गाइस। चलो कोई ना भाई, अपन लोग अपना काम करते रहेंगे भाई, इसको औकात दिखवा देंगे, और फटाफट से ना चलो भाई, और पीछा करके भाई ट्राई करूँगा, फुल गिराने की ट्राई कर रहा हूँ यार, इतनी स्पीड हो गई भाई, वो बंदा स्पीड कम कर देता है यार भाई, क्या दिमाग वाला बंदा है भाई, हम उसको चेस कर रहे हैं, उसको भी पता है भाई, ऐसा ना हो ये भी ट्रैप वगैरह हो यार, फालतू का मैं फंस जाऊँगा फिर से, किडनैप वगैरह हो गया ना भाई, प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है। ठीक है कोई ना गाइस, कोई ना चलो यार भाई, जो होगा देखा जाएगा, इसको आज की आज मारना है, कुछ भी हो जाए भाई गेम ओवर करना है। ठीक है ओके भाई, यार ये बंदा गिरता ही नहीं, स्पीड कम कर देता है भाई, ये बंदा स्पीड कम कर देता है यार गाइस, क्या ही बोलूं यार, कसम से बताओ ना भाई, इतना मार रहा हूँ, बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है साले ने भाई, बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है गाइस, क्या ही बोलूं यार भाई, यार एक सेकंड, कोई ना भाई सब कहाँ गया भाई, उधर से टर्न मार रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है गाइस, अभी भी देख रहे हैं भाई, इतना पीछा कर रहा हूँ भाई, उधर से चला गया यार भाई, यार ये बंदा यार इसकी भैंस का पकौड़ा मारूं, सही बताओ ना यार, फालतू का दिमाग खराब कर रहा है। कोई ना भाई, इसको आज मारेंगे, इसने बुलेट प्रूफ जैकेट तो पहना है वैसे, वही पूरी इसकी बॉडी वगैरह है कि यार, इतनी बॉडी लग रही है, मुझे लग रहा है सारे फेस वगैरह पहने, सारे कुछ हो ही नहीं रहा है इसको। ठीक है कोई ना गाइस, ठीक है उसको दिखा देंगे फटाफट से, बट चेस करने की कोशिश, ये देख आ गया, ओके, अरे भाई इसको टच कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है
भाई टच कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा है, टच कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा भाई, गिर ही नहीं रहा ये क्या भाई चिपका के रखा है इसने यार, सिर्फ गाड़ी भगाई जा रही है गाइस कसम से बताऊँ ना यार, ये बंदा बहुत हैवी ड्राइविंग कर रहा है गाइस कसम से, आपको लग रहा है मैं इसको आराम से गिरा सकता हूँ बट नहीं यार गाइस वो पॉसिबल ही नहीं, वो गिर ही नहीं रहा है, वो गिर ही नहीं रहा है गाइस, उसको हम गिरा रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं बट वो गिर ही नहीं रहा है, उसको गोली मार रहे हैं, ये देखो मैं इसको ट्रक मारा अब क्या करे, अब उतर के तो मार नहीं सकते वो भाग जाएगा, इतना दिमाग देखो उधर से चला गया यार, इतना अच्छा मौका यार वन मिनट में मार सकते हैं, रेड इंजन मेरे साथ में है यार, देखो इतनी गोली देखो गिर ही नहीं रहा यार, आप लोग बोल रहे हो यार क्या गाड़ी चला रहा है यार, मैं खुद कन्फ्यूज हूँ ये बंदा गिर ही नहीं रहा है, भाई ये बंदा ना हैवी ड्राइवर है भाई, भाई साहब इसलिए मैं बंदा अकेला आया भाई साहब, ये मुझे पता नहीं था इतनी खतरनाक वाली ड्राइविंग करता है ये एगल का छोटा भाई यार, ये तो खतरनाक वाला निकला यार बिल्कुल ही, कोई ना यार फुल ट्राई करता हूँ भाई, फुल ट्राई करता हूँ सारी का टाइम हमसे करने की कोशिश करता हूँ, एक सेकंड भाई, ये भाई देखो भाई कुछ भी नहीं हो रहा है यार, यार मुझे पता यार गाइस मैं ज़्यादा ही भाई भाई कर रहा हूँ, आप लोग ने मेरे को बोला था बट कोई ना यार मैं कोशिश करूँगा भाई कम बोलने की बट गाइस क्या ही करें, ओके ठीक है भाई गिर ही नहीं रहा, अरे यार गिर ही नहीं रहा यार ये भाई, कौन सा फेवी कोट लगवाया गाइस इसने भाई, फेवी कोट छिपा के बैठा है क्या, ऑल राइट गाइस चलो चलो ट्राई करते फुल ट्राई करूँगा भैंस की यार, भाई यार देखे भाई भाई बोल दिया यार गिर ही नहीं रहा यार यार, एक सेकंड अब तो आ गया यार, ये बंदा स्पीड कम कर देता है स्पीड बढ़ा देता है बिल्कुल ही, और चलो यार फटाफट से अपनी गाड़ी भगवाते हैं और अपना काम कर देते हैं, और एक सेकंड यहाँ पे देखो सामने और भी बंदे हैं भाई, सामने और भी बंदे हैं यार, ट्रैप तो था भाई, सस्ता वाला ट्रैप है कोई बात नहीं, सस्ता वाला ट्रैप है भाई, ओके 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 इनके रुपया देंगे, इनको रुपया देंगे रोबोट से भाई, सस्ती वाली रोबोट है सस्ती वाली प्रोग्रामिंग करके भाई बिटवा दी इंस्टॉल करवा दिए भाई, पता नहीं गई बस इनकी चीप वगैरह जो भी है ना भाई, सब कुछ कर नहीं सकते इतनी पावरफुल तो है नहीं कि चीप हम चेंज करवाएं, ओके कोई ना भाई उसको चेंज करके कोई मतलब नहीं है भाई, मेरे को लगा ही था सोचे से कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो इतना कॉन्फिडेंस है ना उस बंदे में, इतना कॉन्फिडेंस है ना क्या ही बोले, इतना कॉन्फिडेंस है ना वो बंदे में गाइस क्या ही बोलूँ, वो बंदे में इतना कॉन्फिडेंस है क्या ही बोले, ठीक है चलो चलो भाई अभी भी भागी रहे क्या ये देखो भाई इनकी प्रोग्रामिंग भाई फेल, गन गिर गई प्रोग्रामिंग फेल भाई, कोई ना भाई ऑल राइट भाई, अब मुझे लग नहीं रहा उसके चेस के कुछ मतलब है, देखो वैसे भाग रहे हैं इनकी गन गिर गई इनको उठाने के लिए आता समझ रहे ऐसे होते हैं रोबोट, तो फालतू के इसलिए मैं रोबोट सिक्योरिटी बाय नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे पता है भाई इनमें कुछ जो प्रोग्रामिंग है ना भाई वही करेंगे और कुछ भी नहीं करने वाले, ओके सो लेट्स गो और फटाफट से चलते हैं, और भाई सब मेरे को कोई नज़र नहीं आ रहा है, मुझे पता था भाई कोई भी नहीं है, ओके कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, नो वन इज़ हियर, पूरा रास्ता ख़राब है भाई, खराब मतलब गायब है सब, कोई भी नहीं नो वन इज़ हियर कोई भी नहीं है देख ही लो कोई भी नहीं है गाइस, अब क्या ही मतलब है, ठीक है यार चल रेड निंजा अब क्या करेगा, इस कुछ प्लानिंग वगैरह करनी होगी भाई, इसका जो नंबर मिला था ना भाई उसको ट्रैक करना होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है भाई, जो नंबर मिला ना मुझे भाई वो ट्रैक करना है और कुछ नहीं करना है, समझ रहे हो, अब कुछ नहीं करना है, अब बस हमें गाइस करना है नंबर ट्रैक करना है अपनी हैकर गर्ल के पास जाके, और कोई अपने पास ऑप्शन नहीं है, अब डायरेक्ट जाके अटैक वगैरह करेंगे समझ रहे हो, अब बहुत हो चुका है इन लोग का, इनका गेम ओवर करना है, ये एगल जो भी है भाई तू जो भी है ना भाई तेरा गेम ओवर करना है आज की आज, यार कब से परेशान कर रहा है ये बंदा यार, गाइस हम देखो यार मतलब क्या ही बोलूँ, तो यार इस यहाँ तक आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और यार गाइस क्या ही बोलो, अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली तो चैट में लिख दो चेस ओपी लिख दो भाई, मेरे को पता चलेगा मेरी वीडियो यहाँ तक
तो चलो यार फटाफट से। और राइट गाइस, यार फाइनली ना हम लोग आ चुके हैं मेले भी मैसेज में। और गाइस यहाँ पर ना हम लोग को फटाफट से गाइस जो हमको नंबर से मैसेज आया था ना भाई, वहाँ पर वो नंबर ट्रैक करना होगा अभी के अभी, वरना उससे पहले वो फ़ोन ट्रैक वगैरह जो भी है ना भाई वो कर दे, समझ रहे। तो गाइस चेंज करने से पहले हमें हैकर गर्ल के पास जाना होगा, और गाइस सारा का सारा जितना भी है भाई सब चेंज कर देंगे, बिल्कुल ही समझ रहे हो भाई, मतलब ट्रैक वगैरह कर देंगे। और गाइस बिल्कुल ही ना भाई, वहाँ पर डायरेक्ट जाके निंजा सिक्योरिटी और NSG भाई सबसे अटैक करवा देंगे। आज ना भाई गेम ओवर करना है भाई, आज कुछ भी हो जाए, ये एगल का बच्चा जो भी है, इसका भाई और ये क्लाउड भाई, तीनों का गेम ओवर करना है। अब मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो चुका है गाइस, आपको ना भाई क्या ही बोलूँ। सो चलो यार फटाफट से भाई यहाँ पर मैं निकलता हूँ, एक सेकंड, यहाँ पर ही होना चाहिए हैकर गर्ल, और इनसे ना बातचीत वगैरह करते हैं। सो चलो यार इनसे ना भाई फटाफट से बातचीत कर लेता हूँ। ऑल राइट गाइस, इनसे ना सारी की बातचीत वगैरह करती है, ये कह रही है कि 2-3 मिनट में हो जाएगा काम, ठीक है ना। चलो यार 2-3 मिनट में हो जाएगा काम, बहुत ईजी है, क्योंकि बस नंबर हमें ट्रैक करना है, समझ रहे हो, सिर्फ नंबर ही हमें भाई ट्रैक करना है और कुछ नहीं करना है। सो चलो फटाफट, जब तक मैं इनको बोलता हूँ हम अपनी NSG सिक्योरिटी को रेडी करो, और उनके साथ ना भाई डायरेक्ट अटैक करेंगे वो लोकेशन पे, मतलब अब कोई नहीं। चलो यार फटाफट से अटैक करते हैं यार, तैयारी करते हैं। ऑल राइट गाइस, फाइनली ना चलो यार सारे के सारे हमारे पास, हमारी आर्मी भी रेडी है, और हैकर गर्ल ने लोकेशन में ट्रैक कर दिया है, और अपने साथ रेड निंजा ने बोल दिया है कि यहाँ पर अपनी निंजा आर्मी भी आने वाली है, रास्ते में ही है, समझ रहे हो। सो चलो यार फटाफट से यार बैठ जाओ मेरी गाड़ी में, फटाफट से ना गाइस अभी बैठ जाते हैं, और बाद में ना NSG वाले भी आएंगे, क्योंकि अपने को पहले वहाँ पे जाना होगा, वरना ऐसा ना हो कि वो हमारे पे अटैक कर दे और हमारा मेरी पेंशन पे मतलब कब्जा कर ले, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो जाए, समझ रहे हो, वरना पहले हमारे साथ ऐसे ही हुआ था स्कैम, समझ रहे हो भाई। तो मैं अभी इनको यहाँ पर रहने देता हूँ, फिर जब जाएंगे ना पक्का हो जाएगा तो फिर ये अटैक करेंगे, मतलब कन्फर्मेशन मिलना ज़रूरी है, वरना ट्रैप वगैरह ना हो, समझ रहे हो। सुसोलो यार फटाफट से गाड़ी में बैठ जाओ यार, ये लोग अभी पीछे ही है क्या, चलो अभी वो लोग बैठ रहे हैं, NSG वालों को भी लेके जाएंगे, NSG वाले भी बहुत दिनों से हमारे लिए काम भी किया, हमारे RSPG और दूसरी सिक्योरिटी वही काम कर रही थी। सो चलो यार फटाफट से यार, ये बीच में से हट के मेरा आ रहा है यार, लॉरी का फट बीच में साले, यार ये देख रहा हूँ फालतू का बीच में आ रहा है, गाड़ी भगा रहा है जल्दी से, पहले दिमाग ख़राब कर रहा है। चलो यार फटाफट से निकलते हैं यार, अभी भी सामने भाई भाग गिरा की भैंस क्या क्या निकल साला, तो किया देगा भाई साहब बीच में आ रहा है तो मार भी खाएगा क्या, मतलब क्या ही बोलो यार, इतना गुस्सा आता नहीं लोग बीच में आते हैं। सो चलो फटाफट से लोकेशन पे मिलते हैं आप लोग को गाइस, फटाफट से। ऑल राइट गाइस, यार लोकेशन पे हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पर ना ये लोकेशन वही है गाइस जहाँ अपनी गोल्ड माइन थी ना, आपको याद है गोल्ड माइन की लोकेशन याद है आप लोग को, एक टाइम पे वो अपन लोग ने इस पर भाई कब्जा किया था, बट हम लोग वो वाले भाई गोल्ड माइन में अटक गए थे। तो भाई ये वही गोल्ड माइन है, इस बंदे ने वहाँ पर इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन किया, ये देखो भाई पूरा पहचान में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, देखो एक बार, मतलब इतने बड़े बड़े पता नहीं क्या दीवार है, क्या है, पोस्टर वगैरह इसने क्या क्या लगवा दिए इधर, मतलब यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, आपको याद है गोल्ड माइन, जो बंदे मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो गए 2-3 वीडियो अगर देखे होंगे तो उसमें आपको याद होगा, इतने सारे गोल्ड माइन जहाँ पे हम लोग ट्रैप हुए थे ये वही जगह है, इस बंदे ने क्या कर दिया जगह वो एक बार देखो। सो ये कह रहा है कि यार हमें ना पहले देखना होगा, डायरेक्ट अटैक तो कर नहीं सकते भाई, वो तो मेरे को पता है यार रेड निंजा, वो तो मेरे को ही पता है गाइस, समझ रहे हो, तो भाई पहले ना हमको भाई देखना होगा क्या सीन है और क्या नहीं है। तो चलो फटाफट से इस पत्थर के ऊपर चढ़ता हूँ, और फटाफट से चढ़ना पड़ेगा वरना बहुत टाइम लग जाएगा। ऑल राइट गाइस, इस पे ना मैं चढ़ गया था, सो अभी ना मैं यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ गाइस, चलो यहाँ पे गाइस देख लो, एक सेकंड, ये कौन है भाई, ये डांट रहा है क्या भाई, ये दोनों ब्रदर्स एगल और उसका भाई, और ये कौन है यार, एक बंदा पता नहीं कौन आ गया इसमें भाई, लग रहा है डांट रहा है ना, एक सेकंड देखना, डांट रहा था वो उसको यार, वो ना उसको डांट रहा है गाइस, वो हेलीकॉप्टर में आया था क्या भाई, पता नहीं यार क्या सीन है भाई, लग रहा है ना वो उसको डांट रहा है, और वो यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी तीनों मरेंगे भाई, जो भी हो सब मरेंगे, अब मेरा कुछ नहीं भाई, यहाँ पे डायरेक्ट अटैक करूँगा भाई, डायरेक्ट में एयर स्ट्राइक अटैक तो करने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना, एयर स्ट्राइक अटैक करूँगा तो ये लोग पहचान लेंगे, बट अगर हम लोग अगर प्रॉब्लम में आते तो एयर स्ट्राइक करेंगे, ठीक है ना, बट अभी पहले हमको ग्राउंड स्ट्राइक अटैक करना होगा, ग्राउंड अटैक किसी के भाई, एक सेकंड वो जा रहा है भाई, छोटा एगल जा रहा है, एगल का छोटा भाई जा रहा है,
यार, वो हेलीकॉप्टर बैठ के चला गया और इसके साथ में ये नया कौन बंदा आ गया, पता नहीं यार ये कौन है नया बंदा, बट कोई ना, जो भी हो भाई सब मरेंगे भाई, जो भी हो मेरे कुछ लेना देना नहीं भाई, कोई भी हो सब मरेंगे। बट यार मेरे को इसको मारना था यार, ये बहुत ज़्यादा ही चुलबुला बंदा है, इसका जो छोटा भाई है ना, ये बंदा ज़्यादा ही होशियार बनता है, बट जबकि ये नूब है भाई, इसको ही मारना था। दोनों समझदार है, बट ये जो छोटा भाई है ना, इसकी भैंस की पूछ, कोई ना, इसको भाई इसको भी पेल देंगे और इसको भी दिखा देंगे कि भाई अपने पास पावर क्या है, ठीक है ना। और चलो यार, ये हेलीकॉप्टर में बैठ के जा रहा है भाई, चला जा, बच गया तू भाई, आज ना ये बच चुका है, बट कोई बात नहीं, अभी दोनों पे अटैक कर देंगे भाई, दोनों पे अटैक करने वाला हूँ भाई, चला जा फटाफट से, वरना ये ऊपर से देख लिया ना भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो यार फटा, इनको बोलता हूँ यार अपनी जो आर्मी वगैरह है ना, सबको रेडी वगैरह करके रखो, आर्मी जो है ना अपनी गाइस, जो भी आर्मी है भाई, NSG और निंजा सिक्योरिटी भाई, आज दोनों मिलकर अटैक करेंगे, ठीक है ना। बहुत हो चुका है, बहुत गेम ओवर हो चुका है, अभी सबसे खतरनाक वाली सिक्योरिटी अपने इधर आ चुकी है, अब इनका गेम ओवर है, अब मेरे को गाइस इनका वेट करना है, अभी डायरेक्ट अटैक कर देंगे भाई, जैसे वॉर शुरू होती है ना भाई वैसे ही। तो चलो यार, ये कहाँ गए, अरे रेड निंजा और अपनी हैकर गर्ल कहाँ गई यार, ये मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं क्या भाई, कहाँ गए भाई, भाई इधर कहाँ चले गए तुम लोग भाई, ये भाई इनका कुछ चक्कर तो नहीं चढ़ना है ना भाई, भाई ये कह रहा है कि यार हम तो देखने गए थे भाई, कुछ ज़्यादा दूर नहीं चले गए तुम लोग। चलो ठीक है यार, मैं इसको बोलता हूँ अपनी आर्मी वगैरह रेडी करो, और गाइस ठीक है, इनको भी बोल देता हूँ भाई, तुम भी अपने बंदे बुलाओ, मतलब अपनी आर्मी है, ठीक है ना। सो चलो यार फटाफट से इनसे बातचीत वगैरह कर देते, और ऑल राइट गाइस, यहाँ पे ना सब कुछ मैंने बोल दिया था, और यहाँ पे अपनी NSG और निंजा सिक्योरिटी सब इधर आ चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे गाइस अब होने वाला है अटैक, बट हम लोग अटैक डायरेक्ट कर नहीं सकते, हमें ना पीछे से घूम के आना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट जाएगा दिख जाएगा भाई, और वो लोग बच जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता कोई भी बचे भाई, डायरेक्ट अटैक करना है पूरा स्क्वाड पे भाई, अकेले 1 HP पे रश कर देंगे, ठीक है ना। सो भाई इस बंदे ने पूरी जगह ही चेंज कर दी यार, मेरे को अभी भी यकीन नहीं आ रहा है, इस बंदे ने अपनी पूरी जगह ही चेंज कर दी, मतलब इतने बड़े क्लिपबोर्ड भाई पता नहीं क्या क्या लगवा दिए। ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से गाइस, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बिल्कुल ही आराम से। सो गाइस एक काम करते हैं, हमको ना ये स्ट्रेट जाके राइट जाना पड़ेगा, फिर राइट लेके ये जो क्लिपबोर्ड लग रहा है पीछे से आना पड़ेगा, मतलब स्ट्रेट जाके आगे से लेफ्ट, समझ रहे हो। सो चलो फटाफट चलते, वरना बहुत टाइम लग जाएगा, मैं वीडियो काट देता हूँ यहाँ से, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। सो इधर से जाके, आगे से जाके लेफ्ट बस, और इधर से घूम के आना है, तो सब लोग आएंगे मेरे पीछे पीछे, तो चलो फटाफट से आपको वहाँ पर मिलता हूँ। ऑल राइट गाइस, हम लोग ना घूमते घूमते इधर आ गए थे, सो देखो वो पत्थर दिख रहा है बड़ा वाला, वहाँ पे थे हम लोग, बट वहाँ से पीछे से इधर आ गए, क्योंकि टाइम वगैरह नहीं भाई, इसलिए मैं आपको बोला पहले, आज ज़्यादा फाइटिंग वगैरह देखने को मिली नहीं है, तो आप लोग बताना आपको फाइटिंग पसंद है क्या पसंद है, तो मेरे को समझ आएंगे गाइस, ठीक है ना। आप लोग को ज़्यादा मैं फोकस करूँगा, स्टोरी पसंद है या फोकस पसंद है, मतलब फाइटिंग पसंद है, तो मेरे को ज़रूर बताना। सो चलो यार, अभी यहाँ पे ना भाई देख के अटैक करना होगा, ठीक है ना, मैं पहले बता रहा हूँ, कोई मरना नहीं चाहिए अपना, पहले इतने अपने लोग मर चुके। एक सेकंड, ये क्या है भाई, भाई कैसा कंस्ट्रक्शन किया है इसने, यहाँ से तो खुला है, बट तुम्हारा भाई इधर से अटैक नहीं करेगा, तुम्हारा भाई अटैक करता है आपको पता है, गद्दारी नहीं करता, पीछे से किसी को नहीं मारता है, और भाई सामने से मारेगा, बट थोड़ा सा घूम के आया हूँ वो अलग बात है। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है ठीक है गाइस, ठीक है ठीक है, आराम से आराम से, और कोई बात नहीं भाई, यहाँ से अटैक करना है अपने भाई, इधर से अटैक करना है, स्ट्रेट स्ट्रेट अटैक करना है। ओके ओके ओके, ठीक है, चलो 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 फटाफट से ना गाइस, पहले आराम से भाई, कोई देख ना ले भाई, सामने से अटैक करेंगे, सामने से अटैक कर दें, बिल्कुल ही सामने से बस, चलो। ऑल राइट गाइस, तो चलो यार गाइस इनका ना गेम ओवर करते हैं, चलो निकल भाई, उनका भी गेम ओवर भाई, इतनी बड़ी वाली आर्मी देख के इनकी फट गए होंगे, वैसे रोबोट है भाई, मुझे नहीं पता गाइस ये क्या सोच रहे होंगे भाई। चलो यार भाई, सारे के सारे मिल के ना आज इनका गेम ओवर कर देंगे भाई, बिल्कुल गाइस इनका भाई क्या ही बोलूँ, इनका गेम ओवर है भाई, सब मिल के अटैक कर देंगे भाई। चलो चलो भाई, कोई ना भाई, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं भाई, मैं तो बस देख रहा हूँ भाई, तो भाई मुझे तो बस देखना है फाइट, मुझे कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं, यहाँ पर देख सकते हो मैं बस ना ऐसे ही भाई गार्डन में टहल रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ये लोग मारते जा रहे हैं, और ये लोग भाई धूप में चमकते हैं ना भाई, इनका रंग चल रहता है भाई, क्या ही बोलूँ, एक बार देखो ना भाई, नज़दीक जा रहा हूँ इनका भाई,
क्या ही सीन है यार। ठीक है चलो कोई ना, आ भी जाता हूँ। और ये लोग ना उन गोली को मार रहे हैं। कोई ना कोई ना, मारो मारो तुम लोग मारो भाई। भाई गेम ओवर है भाई इन लोग का। अब भाई वैसे भी इसने ना सारा पैक करके रखा है, ठीक है, इस बंदे ने सारा पैक करके रखा है। अब जाने का रास्ता एक ही है, ठीक है, अब मज़ा आने वाला है। जैसे इसने मुझे ट्रैप किया था ना इसी के गेम के अंदर, मतलब ये जो गोल्ड वायर है इसके अंदर, तो अब ये भी ऐसे ही होने वाला है। पहले सबको मार दो छपरियों को, ये रोबोट सस्ते वाले रोबोट्स को मार दूँ, 50.20 को मार देंगे। ऑल राइट गाइस, चलो ख़त्म है भाई, सबको घेर दिया है। अब बचने का रास्ता ही नहीं, ठीक है ना, अब सारे के सारे मर चुके हैं, कोई बचाए क्या? चलो मारो मारो, मैं तो बस देख रहा हूँ यार, मेरा कुछ काम ही नहीं है। इन लोग का भाई काम है भाई, मेरा कुछ काम ही नहीं, ये लोग बस मारेंगे। ओके ओके, बहुत सही बहुत सही, ये बस मारेंगे मारेंगे। ऑल राइट चलो यार, बहुत सही। और बस मुझे एक सेकंड, ये क्या है भाई? भाई ये तो एगल है और ये इसके साथ का एक नया पार्टनर, पता नहीं भाई ये फूट क्यों नहीं रही, ये कांच फूट क्यों नहीं रही? अरे और यहाँ पर देख सकते हो जो गोल्ड माइन की इंटरेस्ट है ना, वहाँ पर देख रहे हो आप लोग? यार अभी धूप की वजह से दिख नहीं रही, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। भाई गोली मार रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, ये देखो यार ये क्या सीन है। यहाँ पर देखो, ये देखो सामने एंट्रेंस दिख रहा है आप लोग को। भाई इसने यहाँ पर दीवार उठा दी है भाई, ये तो हंस रहा है भाई यार। इसकी भैंस की आग, एक सेकंड, एक काम करते हैं मैं ट्राई करता हूँ। वैसे ये फूट क्यों ले रही है, किस चीज़ की बनी है मुझे नहीं पता, ये कौन सा एलिमेंट से बना है मुझे कुछ नहीं पता यार। यार गाइस देखो 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 यार, ये तो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, ग्लास फूट ही नहीं रहा है, और इसको पता ये नहीं फूटने वाली, इसलिए देखो दोनों यहाँ पर खड़े हैं। बट भाई इसको तो बाहर निकलना तो पड़ेगा ना भाई, खाने पीने के लिए। भाई वो देखो एंट्रेंस दिख रहा है आपको, वहाँ पर देखो गोल्ड माइन का एंट्रेंस भाई। बट तू तो ट्रैप हो चुका है, टेंशन मत ले, अब तू कब तक जिंदा रहेगा अंदर मुझे बताओ भाई, कब तक भाई? इसको तो मार देंगे वैसे, बट यार ये फूटेगा तो मारेंगे ना। ये बंदा हंस भी रहा है और पता नहीं क्या बातें कर रहा है, कुछ आवाज़ भी नहीं आ रही इधर से, पता नहीं कुछ कह रहा है आई थिंक। एक काम करते हैं, सब मिलके अटैक करते हैं। एक मैं सबको ऑर्डर देता हूँ कि यार सब लोग ना इसको मिलके फोड़ दो। चलो यार रेड निंजा सबको ऑर्डर देते कि इस पे ना भाई अटैक कर दो, मतलब ये जो कांच है ग्लास पे। यार भाई फूटना चाहिए ना यार, ये किस चीज़ का बना है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। मैं बस शौक हूँ कि यार ये क्या सीन है। ठीक है वो लोग, भाई तू ही देख ले एक बार, ये कह रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ग्लास तो फूट जाना चाहिए, वो तो मुझे भी पता है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। यार ये कह रहा है कि कुछ इसमें ना स्पेशल एलिमेंट ऐड किया होगा जिससे वो रिएक्शन वगैरह कुछ होता है। तो वैसे यार गोली ना भाई जाके ना डायरेक्शन चेंज कर रही है वैसे ना। चलो यार एक काम ही करते, गए सबको बुला के देखते, क्या पता सब लोग सबका एक यूनिट हो गया ना फोर्स अटैक करे, और क्या पता उससे डिस्ट्रॉय हो जाए, तो वही करना पड़ेगा। पहले ना भाई ये देख रहे हो, उसको भी इतना कॉन्फिडेंट है, उसको पता है कि यार ये फूटने वाला तो है नहीं। यार देख रहे हो क्या ही नाटक कर रहे हैं यार वो दोनों मिल के। यार ऐसे लग रहा है कुछ गोली लगी नहीं रही हो, ऐसे लग रहा है अपन लोग फायर ही नहीं कर रहे। एंड क्या यार, ठीक है इन लोग को, ये लोग आ रहे हैं भाई अब ना, अब क्या देखते हैं असर होता है कि नहीं। हम लोग आरपीजी भी से ट्राई करेंगे, आरपीजी भी बढ़िया आइडिया है, बट रुको यार कोई ना कोई ना आरपीजी ट्राई करेंगे। अभी इनको बोल दिया, अरे काज आ रहे हो अटैक करने के लिए यार, ये देखो यार ये नमूने, अरे काज फोड़नी है भाई, उनको डराना नहीं है, ये दिख रहे हो भाई डरा रहे हो उन लोग को। अरे उनको भी दिख रहा है, तुमको भी दिख रहा है, बट उनको भी पता है कि फूटने वाली नहीं है। चलो फटाफट से अटैक कर दो भाई, इन लोग को बोलता है दूर हो जाओ वरना गोली ना तुम लोग को लग सकती है, क्योंकि ना गोली भाई वापस आ रही है। चलो इनको फटाफट से फूलता हुआ देखो, ट्राई कर रहा है अंदर जाने की, उसको दिख ही नहीं रही, ग्लास तक दिख नहीं रहा है, पता नहीं मजाक कर रहा है। ठीक है इनको बोलता हूँ यार डायरेक्ट फायर कर दो। ऑलराइट गाइस, मैंने सबको बोल दिया अभी अटैक करने का, अभी सब लोग पीछे हो चुके हैं, वरना पहले ना भाई सब लोग खा के चले गए थे यार, क्या ही सीन था यार, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। देखो सब फायर कर रहे हैं बिल्कुल ही, ये देखो रेडिंग भी कर रहा है, सब कर रहे हैं, बट कोई डैमेज तक नहीं, ऐसा लग रहा है कोई फायर ही नहीं हो रहा है। क्या है यार ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या सीन है, मतलब क्या ही बोली यार, ये तो फूटना चाहिए अभी तक तो फूट जाना चाहिए था, बट यार नहीं देखो। कोई ना आरपीजी ट्राई करता हूँ,
फिर देखते गए इसका माल क्या होता है। अभी ना मुझे कुछ, अब तो भाई अपने पास कोई एक्सपर्ट नहीं है तो लेस्टर के सिवाय। अभी रेड स्कल बंदा था, वो भी बहुत बड़ा वाला एक्सपर्ट था, बट उसको तो मार दिया। अब पता नहीं किसकी हेल्प लूँ। एक सेकंड, अपनी हैकर गर्ल तो है ना, एक काम करते हैं, हैकर गर्ल किधर गई? वो तो पीछे होगी। और यहाँ पे दीवार भी लगी तो हम लोग दीवार भी तोड़ सकते हैं क्या? अरे मुझे नहीं पता, तो सब कुछ चेक करेंगे अपन लोग। सब कुछ पैक है, जो एंट्रेंस है ना गोल्ड माइन की, गोल्ड एंट्रेंस भाई सब बंद है, समझ रहे? ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बिल्कुल ही गाइस ट्राई करेंगे। भाई सबको बोलता हूँ रुक जाओ यार, कोई फ़र्क तो हो ही नहीं रहा भाई, इतना तक टच नहीं हो रहा है उससे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो क्या ही फायदा यार। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ यार, रुक जाओ रुक जाओ। एक काम करते हैं, हैकर गर्ल को क्या पता उसे पता हो यार, वैसे उसे पता तो नहीं होना चाहिए, वो तो हैकिंग गर्ल है, उसे क्या पता ये एलिमेंट के बारे में, वो थोड़ी ना क्या ही सीन है। वो बोलेगी जाने दो यार, वो बोलेगी मैं हैकर हूँ यार, तूने तो मुझे वो बना दिया। भाई फूटना चाहिए यार, वैसे तो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कोई यार। ये देखो गाइस कैसे हंस रहे हैं, और अंदर देखो एंट्रेंस है गाइस, मैंने आपको बोला था ना वही वाली एंट्रेंस, उसने फुल पैक कर दिया। बट ये बाहर जाएंगे कहाँ मुझे बताओ? इसका ओपन ऑफ का बटन तो होना चाहिए गाइस, ये ऊपर जाता है नीचे जाता है मुझे नहीं पता, बट यार उनकी आवाज़ तक नहीं आ रही यहाँ तक, और ना ही मेरी आवाज़ उन तक जा रही है। तो अपन लोग यहाँ पर रहने वाले हैं, आइए लोग को मरने दो, अब कोई चांस ही नहीं है। ये जाएंगे जाएंगे कहाँ पर? बस उसका छोटा भाई वायर है और क्लाउड वायर है, मुझे नहीं पता, वो दोनों तो वायर ही है, बट अटैक करेंगे कैसे भाई? मैं पूरी आर्मी इधर खड़े कर दूंगा। चलो इधर हैकर गर्ल भी आ चुकी है, तो ये अब चेक करेंगे, पता नहीं हर कुछ सॉल्यूशन मिल जाए, क्या पता कुछ दबा दे या बटन गटन हैकिंग वगैरह से। भाई यहाँ पे कोई बटन वगैरह देख ही नहीं रहा हैकिंग कर सके, पता नहीं यार क्या सीन है, जिससे भी लग रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, ट्रांसपेरेंट है यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप लोग ही देखो, वो भी परेशान लग रही है भाई, वो कह रही है कि यार यहाँ पे तो कोई बटन ही नहीं है ना ही कुछ है, अभी इसको हैक कैसे करूँगी यार? वो भी बात है, इसको हैक करेंगे तो यहाँ पे कुछ होना भी चाहिए ना सिग्नल वगैरह। यार वो देखो वो दोनों जा रहे हैं यार, वो अंदर जा रहे हैं गोल्ड वाइन के अंदर। वैसे ना हमको इसका एग्जिट नहीं पता यार, वैसे जब मैं इसके अंदर गया था ना तो इसका बाहर का कोई इंटरेस्ट ही रहता गाइस, मुझे नहीं पता इन लोग ने अभी खोद के कुछ किया होगा गाइस, आई डोंट नो। बट यार पूरा ही पैक कर दिया देख रहे हो, मतलब इतने बड़े बड़े पोस्टर वगैरह जो भी है क्लिप बोर्ड लगाए हुए इधर, और यहाँ पे इतनी बड़ी वाली सिक्योरिटी लगाई इसने। यार इधर आ जा हैकर कर, इधर आ जा वरना 3 फीट में मार दूंगा। चलो यार इसको इधर बुलवा दिया, वरना मैं ना अभी आरपीजी रेडी करने वाला हूँ, अब देखते हैं आरपीजी का कमाल। चलो फुट जा, फुट गई क्या? अरे कुछ ऐसा नहीं हुआ है, बस आग लगी यार, कुछ भी नहीं हो रहा है, इसकी वजह इसकी आग। अरे कुछ फ़र्क तो पड़ जाए, कुछ तो हो जाए यार, कसम से वैसे कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ असर ही नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, ख़त्म है यार, ख़त्म है गैस, ख़त्म है यार, कुछ भी नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। आप लोग ही देखो क्या ही सीन है यार, ख़त्म है यार बिल्कुल ही ना, गेम ओवर। आप तो फुटा ही गए, इतने सारे रॉकेट आरपिंग छोड़ते हुए था वो लोड के यार, आप तो फुट गया, अब तो गेम ओवर है गैस, क्या लगता है? अरे यार ये किस चीज़ का अंबुजा सीमेंट का बना है क्या ये? अगर आप यहाँ तक मेरे वीडियो देख रहे हो तो अगर किसी के पास इसका सॉल्यूशन है तो मेरे को चैट में बताओ। अगर आप यहाँ तक मेरे वीडियो देख रहे हो तो लिख दो अंबुजा सीमेंट ओपी लिख दो, सो मेरे को समझ आएगा मेरे वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो। चलो यार इसका सॉल्यूशन मुझे नहीं पता गाइस, अब कुछ निकालना पड़ेगा, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ यार फुल फोड़ने की यार, बट फूटना तो चाहिए था यार, पता नहीं किस एलिमेंट से बना है, आई डोंट नो व्हाई गाइस क्या हो रहा है अभी। मैं वो ग्रेनेड टाइप करता हूँ, एक सेकेंड नेट करता हूँ, पबजी वाला नेट काम करेंगे इधर। चलो नहीं फुट रहा, कुछ ही नहीं हो रहा है यार, कुछ भी नहीं हो रहा है, अब इसके एंट्रेंस के अंदर जाएंगे कैसे? और ये लोग तो कभी ना कभी वायर निकालने वाले तो हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इधर मैं सारे लैंडमैन वगैरह निकाल दूंगा, मतलब लगा दूंगा, अगर ये खोलता भी है ना तो सब मारे जाएंगे। वैसे चलो यार मैं फुल ट्राई तो कर रहा हूँ, चलो एक काम करते हैं, अब स्टिकी बॉम्ब लगा के देखता हूँ, बट चलो एक सेकंड ये देखता हूँ। अरे इसका तो कुछ ऐसा नहीं पटा, देखो भाई आग बुझ जा रही है, मतलब पता नहीं कुछ रिएक्शन हो रही है, मैं जैसे फेंक रहा हूँ ना भाई आग बुझ जा रही है, समझ रहे हो? पता नहीं कौन सी रिएक्शन हो रही है। चलो 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 ये भी स्टिकी बॉम्ब ट्राई करता हूँ, लेट्स ट्राई ओके ओके ओके, इतने सारे भाई अब तो फूटने चाहिए, अब तो फोर्स लगेगा हर जगह से, कोने से बीच में से, अब तो फूटना चाहिए भाई, फूटना तो चाहिए ही चाहिए, अब कुछ भी हो जाए, इतने सारे लगवा दिए अब तो गाइस गेम ओवर है गाइस, क्या बोल। चलो बस बटन दबाता हूँ,
चलिए ठीक है इतने बहुत हो चुके हैं। अरे 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 तो सच कुछ भी नहीं हो रहा यार, कसम से इतने सारे लगवा दिए। हाय क्या यार ये यार क्या चल क्या रहा है, अभी तक तो फूट जाना चाहिए था। चलो इससे ट्राई करता हूँ अपनी, इससे भी कुछ नहीं हो रहा है यार। ये गैस हाईटेक रोबोट भी काम नहीं आ रहे, मिनी गन भी काम नहीं आ रही है। भाई आप लोग ये बताओ इसका क्या सोल्यूशन है गैस, क्या बता आप में से कोई एक्सपर्ट हो, मैं किसके पास जाऊँ जो कि मुझे हेल्प करे ये फोड़ने के लिए। पता नहीं गैस कोई एक्सपर्ट होगा कि नहीं। ऑल राइट गैस मैंने सारा का सारा ट्राई कर दिया यार, सब कुछ ट्राई कर दिया बट ये अभी तक कुछ फूट ही नहीं रहा यार। अब ना मेरे को कुछ प्लान वगैरह करना होगा। अभी ये एगल का बच्चा अंदर ही बैठा है और उसका एक और फ्रेंड है, पता नहीं फ्रेंड है या इसका बॉस है मुझे नहीं पता, जो भी है यार गैस ठीक है कोई बात नहीं गैस। अब मुझे बस सॉल्यूशन चाहिए इसका और हमको इसके ना लेस्टर के बारे में क्या पता, लेस्टर को कुछ पता हो, लेस्टर से कुछ पूछता हूँ एंड फिर पता करते हैं गैस। और चलो यार तुम लोग ना मेरे साथ आ जाओ यार, और आधे लोग इधर ही रहो और कुछ लोग मेरे साथ आ जाओ, क्या होता है अटैक वगैरह हो जाए मेरे पे तो आधे लोग मेरे साथ निकलता हूँ गैस। एंड निंजा सिक्योरिटी है ना भाई यहाँ पर ही रहने वाले, ठीक है भाई निंजा सिक्योरिटी को मैं यहाँ पर रख देता हूँ और आधे NSG वाले, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई अटैक वगैरह होता है तो कोई ना कोई होना चाहिए, समझ रहे हो। सो यार अभी मुझे कुछ प्लान वगैरह करना होगा और कैसे भी करके ना तोड़ना होगा, ठीक है। सो चलो यार ये लोग का वहाँ पे रुक गए क्या यार, ये लोग रेड निंजा और ये लोग क्या कर रहे हैं यार, फटाफट साथ में बैठो यार, तुम लोग क्या कोने में चल जाता है ये लेके, पता नहीं यार किस क्या ही सीन है इसका। चलो फटाफट से बैठ जाओ। अरे अरे यार गलती से गाइस रिवर्स दब गया मेरे से, कसम से भाई रिवर्स का बटन दबा दिया भाई, दरवाज़ा का नुकसान हो गया। तो यार गाइस अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ 1000 लाइक कर देना और वीडियो में ओपी लिख देना, और पूरा वीडियो अगर आपने वॉच किया होगा तो आप मेरे ट्रू सब्सक्राइबर होंगे। सो यार गाइस नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा और आप लोग फटाफट से लाइक कमेंट नहीं करते हो गाइस, इसलिए यार नेक्स्ट वीडियो जल्दी से आता नहीं है। सो गाइस मैं भी ट्राई कर रहा हूँ गाइस 3 दिन के अंदर वीडियो डालने की, तो अगर आप लाइक करोगे सब्सक्राइब करोगे तो यार मैं फुल डे एडिटिंग करूँगा और वीडियो बनाऊँगा और जल्दी से आपको अपलोड करूँगा, क्योंकि यार ऐसी वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है आपको पता है भाई, पूरा दिन चल जाता है। तो यार प्लीज़ शेयर करना और लाइक करना, क्योंकि ना आप समझ सकते हो यार एडिटिंग प्लस यार बहुत काम करना पड़ता है। सो यार गाइस आई होप आप लोग लाइक करोगे इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आया तो ऊपर लिख देना और गाइस जो भी आए लाइक ज़रूर करना। और यार यहाँ पे देखो मैं इधर पीछे से रास्ता देख रहा हूँ भाई फुल पैक है, वरना यहाँ पे हमने देखा था ना यहाँ पे रास्ता था बट वो भी बंद कर दिया। चलो ठीक है यार अब गाइस कोई ऑप्शन बचा नहीं हमारे पास, अब क्या ही सीन है, अब मैं बस लेस्टर के पास जाता हूँ, अगर उसके पास नहीं होता है तो फिर मुझे ना अब साइंटिस्ट वगैरह से कोई मिलना होगा, या अगर आप चैट में बोलते हो इससे मिलो या इससे मिलो तो फिर मैं उससे मिलता हूँ एंड पता करते हैं कि इसका रास क्या है, ये फूटेगा कैसे गाइस, फिर ना आगे की वीडियो बनानी पड़ेगी। सो चलो यार ठीक है यार सभी को गुड डे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।